हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुकेशन भैया। एंड कैसे हो यार तुम लोग? कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज बता देना कमेंट करके, ठीक है? और फालतू के स्पैम मत करना, हिट लाइक फॉर दिस, हिट लाइक फॉर दैट। और हाँ, स्पेशली इस साल किसका किसका बोर्ड्स है ये वाला कमेंट मत मार देना, ठीक है? मुझे पता है बहुत ज्यादा कॉमन है और इस सारे कमेंट ही टॉप पे रहते हैं, 500 लाइक, 600 लाइक। यार मेरे वीडियो पर भी थोड़ा लाइक बढ़ा दो। इस वीडियो की लाइक रखता हूँ 2K लाइक्स, चलेगा ना? आई थिंक इतना तो करवा ही सकते हो। और हाँ, मुझे पता है अभी भी मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे, अलग बात है मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ, बट मुझे पता है कुछ लोग मुझे मिस कर रहे होंगे। तो लो, नाम लिया और शैतान हाजिर। अब बकवास नहीं करते हैं, सीधा हमारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। उससे पहले हमारे चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल। एंड तुम लोग को पता है ये चैप्टर की सबसे मस्त बात क्या है? ये चैप्टर पूरा का पूरा थ्रिल और मिस्टीरियस फैक्ट्स वगैरह चीजों से भरा हुआ है। अब एक लाइन में मैं पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन शुरू कर देते हैं। उससे पहले यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आएगा तो। अभी करने की जरूरत नहीं है, वीडियो का लास्ट में भी कर देना, बट याद से कर देना, क्योंकि चैनल डीग्रोथ नहीं चाहता हूँ। ग्रोथ हो, थोड़ा थोड़ा भी हो तो चलेगा, बट डीग्रोथ ना हो, ठीक है? और हाँ, चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे राइटर है जिनका नाम है जैक फिने, फिर हमारी स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर्स है उसमें सबसे पहले है चार्ली, जो कि एक प्रोटैगनिस्ट भी है और हमारे पूरे स्टोरी के नरेटर भी है। फिर सेकंड में उनकी वाइफ आती है जिनका नाम है लुइसा, और थर्ड में एक साइकेट्रिस्ट जिनका नाम है सैम, जो कि चार्ली के फ्रेंड है, ठीक है? चार्ली के फ्रेंड एक साइकेट्रिस्ट है जिनका नाम है क्या है, सैम। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमारे जो नरेटर है चार्ली, वो बता रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट्स हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल के, या फिर द न्यूयॉर्क के, या फिर न्यू हेवन के, या फिर हार्टफोर्ड रेल रोड्स के, वो सब स्वेयर करके यानी कि कसम खा के बोल सकते हैं कि न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे बस दो ही लेवल्स हैं। अब यहाँ पे लेवल्स का क्या मतलब हुआ? जैसे बिल्डिंग्स में फ्लोर होती है ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, उसी तरह से स्टेशन पे ना, रेलवे स्टेशन में कुछ लेवल्स होते हैं जहाँ पे ट्रेन आके रुकती है। तो वही हमारे नरेटर बता रहे कि सारे प्रेसिडेंट्स कसम खा के बोल सकते हैं कि उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के दो ही लेवल्स हैं, पर हमारे जो नरेटर है ना, उन्होंने उसी स्टेशन में यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल को भी देखा है। फिर हमारे नरेटर बोलते हैं कि हाँ, उन्हें पता है कि जब भी वो लोग दूसरे लोगों को ये बात बोलते हैं कि वो उस स्टेशन के थर्ड लेवल पे भी गए हैं, तो सारे लोग उन्हें देखकर, उनकी बातों को सुनकर ये सोचते होंगे कि वो पागल हो चुके हैं। पर वो बताते हैं कि नहीं, वो पागल नहीं है, और उन्होंने इसके लिए एक ऑब्वियस सा स्टेप भी चुना है, यानी कि वो साइकेट्रिस्ट के पास भी गए हैं। उनका एक फ्रेंड था जो कि साइकेट्रिस्ट था, वो उनके पास गए हैं और उस फ्रेंड ने उन्हें समझाया है और बताया है कि ये आपका कोई वेकिंग ड्रीम हो सकता है, या फिर आप अंदर से हैप्पी फील नहीं कर रहे होंगे, इसलिए आपको इस टाइप का इल्यूजन हो रहा है, या फिर आप इस टाइप के सोच रहे हैं बातों को। ये सुनते ही चार्ली की जो वाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, शॉक्ड हो जाती है, ऐसा समझ सकते हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि हो सकता है कि चार्ली जो है वो सैड है, उन्हें मतलब वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न वो खुद भी हो सकती है, शायद वो उन्हें हैप्पी नहीं रख पा रही होगी, ये भी एक रीज़न हो सकता है, ऐसा वो सोचने लगती है। तभी वो जो साइकेट्रिस्ट दोस्त होता है उनका चार्ली का, वो बोलता है कि उनके कहने का मतलब है कि जो आज का मॉडर्न वर्ल्ड है ना, वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वरी और वार से रिलेटेड भरा हुआ है, जिसके कारण कोई भी एक नॉर्मल इंसान अगर अपार्ट मतलब अपने फैमिली के अलावा किसी नॉर्मल चीज़ के बारे में बाहर सोचता भी है, तो चारों तरफ उसे बस यही सब चीज़ नज़र आती है, प्यार और इस टाइप का जो चीज़ होता है ना, जो कि अंदर से इंसान को हैप्पी रखता है, वो आजकल के मॉडर्न ज़माने में बाहर मिलना बहुत ही मतलब ना के बराबर है, ठीक है? पहले टाइम में जैसे लोग फ्रीली एक दूसरे से बात कर लेते थे, मिल लेते थे, साथ में बहुत कुछ मस्ती मजाक करते थे, आजकल के टाइम में सबको को क्या है, सबको अपने से अपना मतलब रखते हैं। तो वही यहाँ पे साइकेट्रिस्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो रीज़न है जिसकी वजह से ये सैड हो सकते हैं, इन्हें अंदर से वो खुश नहीं होंगे, उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है। फिर साइकेट्रिस्ट बोलते हैं कि यही सब रीज़न की वजह से हो सकता है कि ये इस मॉडर्न वर्ल्ड का एस्केप ढूंढ रहे होंगे, यानी कि ये इन सब इनसिक्योरिटी, फियर, वरी, ये सब को छोड़कर कुछ मतलब हैप्पी मतलब खुशी पाने के लिए वो एस्केप ढूंढ रहे होंगे, जिसके कारण वो ऐसा इल्यूजन कर रहे होंगे कि उन्होंने थर्ड लेवल देखा है।
फिर चार्ली कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो कोई अनहैप्पी वगैरह नहीं है, और अगर वो अनहैप्पी हुए भी, यानी कि वो अंदर से नाखुश हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो थर्ड लेवल देख ले किसी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। वो बोल रहे हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग अनहैप्पी हो सकते हैं इस मॉडर्न वर्ल्ड में, तो क्या सभी थर्ड लेवल देख पाते हैं उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का? फिर साइकेट्रिस्ट बोलते हैं कि नहीं, पर तुम्हारे रीज़न ऑफ स्केप यही हो सकता है, यानी कि तुम एक्चुअल रियलिटीज़ को भुलाकर अपनी खुशियाँ पाने के लिए तुम ऐसा इमेजिन कर रहे होगे। साइकेट्रिस्ट का ये बात सुनकर जो चार्ली के दूसरे फ्रेंड्स होते हैं वो भी साइकेट्रिस्ट के इस बात पे एग्री करते हैं, और वो बोलते हैं चार्ली को कि याद है जो तुम स्टैम्प कलेक्ट करते हो, और तुम स्टैम्प कलेक्ट करने टाइम दूसरे दुनिया में ही खो जाते हो, तुम्हें आसपास का कुछ याद नहीं होता, और वो तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा हैप्पी टाइम होता है, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है? तो हो सकता है कि वो भी तो तुम्हारा टाइम जो होता है वो भी तो तुम्हारे लिए स्केप ऑफ रियलिटी ही होता है, क्योंकि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आसपास क्या चल रहा है, जब तुम स्टैम्प कलेक्ट करते हो तब तुम बहुत ही ज़्यादा खुश होते हो, ठीक है? ऐसा वो उसके दूसरे फ्रेंड्स वहाँ पे बोलते हैं। फिर वो बोलता है, यानी कि चार्ली बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, क्योंकि उनका जो ये हैबिट है स्टैम्प कलेक्ट करने वाला, ये उनके ग्रैंडफादर से आया हुआ है। और फिर वो बताते हैं कि पहले के टाइम में तो लोग बहुत खुश होते थे, उस टाइम बहुत ही पीस वाला माहौल होता था, बहुत ही अच्छा माहौल होता था, तब भी लोग स्टैम्प क्यों कलेक्ट करते थे, उनके ग्रैंडफादर भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे, इसलिए उन्हें भी ये जो हैबिट है स्टैम्प कलेक्ट करने वाला उनके ग्रैंडफादर से मिला है, और इसके अलावा कोई और बात नहीं है। फिर वो बताते हैं उनके ग्रैंडफादर के पास बहुत ही अच्छा कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स था, जितने भी US इशूज़ हुए थे ना उसका भी सारा ब्लॉक्स का उनके पास स्टैम्प्स था, फर्स्ट डे कवर का भी, एंड बहुत टाइप अलग अलग टाइप का स्टैम्प्स था, मुझे भी नहीं पता ये सब क्या होता है, बट समझ लो स्टैम्प्स का कुछ कुछ टाइप्स होता है, और उनके ग्रैंडफादर के पास ये सभी चीज़ें थी, यानी कि इन सभी चीज़ों का स्टैम्प्स था। फिर वो बताते हैं कि एक प्रेसिडेंट है जिसका नाम है रोजा वेल्ट, वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, तो क्या वो भी स्केप ढूंढ रहे हैं? क्या वो भी रियलिटी से स्केप करना चाहते हैं? क्या वो भी अंदर से खुश नहीं है? फिर हमारे नरेटर बोलते हैं कि एनीवेज अब तुम मेरी बात को सुनो, अब मैं बताता हूँ कि उस दिन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एक्चुअली हुआ क्या। वो बताते हैं कि उस रात उन्होंने बहुत देर रात तक काम किया, और जब वो काम करके अपने ऑफिस से निकल रहे थे तब वो सोचे कि उन्हें जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना पड़ेगा, तो वो सोचते हैं कि बस लेने से अच्छा है कि वो सबवे ले लेते हैं। सबवे क्या होता है? एक अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम समझ लो। तो वो सोचते हैं कि वो सबवे ले लेते हैं कहाँ से, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, उससे वो जल्दी से घर पहुँच जाएंगे, और वो वैसा ही करते भी हैं। फिर वो बता रहे कि वो बहुत ही एक ऑर्डिनरी गाय है, ऑर्डिनरी मैन है, कि 31 ईयर्स के है, यानी कि 31 साल के है। उस दिन उन्होंने टैन गबार्डियन सूट पहना हुआ था, और उन्होंने अपने सर पे एक स्ट्रॉ हैट भी पहना हुआ था, कि बहुत ही ज्यादा अच्छे ब्रांड का भी था। फिर वो बताते कि उनके आसपास से बहुत सारे लोग गुजरे, ठीक है, और वो बताते कि उस दिन वो किसी चीज़ से एस्केप करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो बहुत ही नॉर्मल मूड में थे, यानी कि ऐसा कुछ नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो या फिर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल मूड में थे, और उन्हें घर जल्दी जाना था इसलिए ताकि वो अपनी वाइफ लोइसा से मिल सके। फिर वो बताते कि वो वंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ जाते हैं। जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंच जाते हैं तब वो सबसे फर्स्ट लेवल पे जाते हैं, और फिर वो बताते कि फर्स्ट लेवल पे बहुत ही नॉर्मल ट्रेन्स आती है जो कि शहर के अंदर चलती है, जो कि हमें 20th सेंचुरी में देखने को मिलता भी है, मतलब आजकल की जो ट्रेन होती है ना वही ट्रेन वहाँ पे भी लगती थी। फिर वो सेकेंड लेवल की तरफ बढ़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें शहर के बाहर जाना था, मतलब उनका घर जो था वो शहर से थोड़ा बाहर में था। फिर वो बताते हैं कि सेकेंड लेवल पे सब अर्बन ट्रेन्स चलती है, ऐसी ट्रेन्स जो कि शहर से बाहर की तरफ जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर वो बताते हैं कि तभी वहाँ पे उन्हें एक आर्च्ड डोर दिखता है, ठीक है, आर्च्ड डोरवे, और वो उसकी तरफ बढ़ते हैं, और वो जैसे ही उसकी तरफ बढ़ते हैं तो वो अचानक से खो से जाते हैं, मतलब वो खो जाते हैं अचानक। फिर वो बताते हैं कि ऐसा उनके साथ पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा उनके साथ बहुत बार हुआ है, और वो कहते हैं कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हंड्रेड्स ऑफ टाइम जा चुके हैं, पर वो जब भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाते हैं उन्हें हर बार न्यू डोरवेज, न्यू स्टेयर्स और अलग अलग कॉरिडोर्स, ठीक है, नया नया कॉरिडोर्स देखने को मिलता है। फिर वो बता रहे कि एक बार क्या हुआ, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गए और वहाँ पे एक टनल था जो कि लगभग 1 माइल जितना बड़ा था, 1 माइल कितना होता है 1.6 किलोमीटर के अप्रॉक्स, तो वो उस क्या बोलता हूँ टनल के अंदर घुस जाते हैं, और फिर जब वो टनल से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक रोजावेल्ट होटल के अंदर मतलब पास पहुँच चुके हैं। फिर वो बता रहे कि एक बार वो ऑफिस बिल्डिंग जो कि 40
46 स्ट्रीट के पास था, वहां से 3 ब्लॉक अवे वहां पे वो एक बार पहुंच गए थे। फिर वो कहते हैं कि उन्हें लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक ट्री के तरह बड़ा होते जा रहा है। जैसे ट्री की ब्रांचेस होती है, रूट्स होती है, उसी तरह उसके उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की जो कॉरिडोर्स और स्टेयरकेस है ना, वो भी बढ़ते जा रही है, फैलते जा रही है। फिर वो बताते हैं कि उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर एक टनल है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है, और वो टनल शायद टाइम स्क्वायर की तरफ जाती है या फिर सेंट्रल पार्क की तरफ जाती है। वो बोलते हैं कि उन्हें पता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है ना, वो काफी सारे लोगों के लिए एक वे ऑफ एस्केप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, कुछ लोग जो शहर से आते हैं, वो नए नए टनल्स और नए नए कॉरिडोर्स में घुस के कुछ नई जगह ही पहुंच जाते हैं, और उनके लिए हो सकता है कि वो रियलिटी से एस्केप करने का एक एग्जिट हो या फिर एक जगह हो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ओके, अब तुम लोग ध्यान से मेरी बात को सुनो। अभी मैंने जो भी बोला ना 2 मिनट पहले तक, हाँ ठीक है, तुम लोग 2 मिनट बैक करके वापस इसे सुन सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा चीज़ है एंड इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो तुम लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर तुम लोग को समझ में आ गया तो इट्स ओके, ठीक है, अच्छी बात है। अगर तुम लोग को समझ में नहीं आया तो तुम लोग 2 मिनट पीछे जाओ और वापस से इन सभी चीज़ों को ध्यान से सुन लेना। Are you scared?